यूपी के बलिया से है, जहां बलिया के मनियर ब्लॉक के काजीपुर गांव में सरकारी विद्यालय के ठीक सामने ही सड़कों पर गंदे नाले के पानी गिरने से लोगों के लिए समस्या बनी हुई है। गंदे नाले के पानी से लोग होकर गुजरने को मजबूर है। वहीं विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे भी इसी गंदे नाले के पानी से होकर विद्यालय जाने को मजबूर है। वहीं गाँव की गलियों में और नलियों की स्थिति को देखिए, गाँव की नलियों पूरी तरह से वज बजा रही है। वकायदे सफाई कर्मी लगाए गए हैं, लेकिन सफाई कर्मी नियुक्त के बाद गांव की स्थिति बद से बदतर हो गई है। नालियों में लगे घास फूस से पटी हुई है, लेकिन सफाई कर्मी एक दिन भी नहीं आते हैं और न ही नालियों की सफाई करते हैं। वहीं ग्राम प्रधान अखिलेश गुप्ता ने गांव की सफाई के बारे में जानकारी दी गई है तो उनका कहना है कि मैंने तो कई बार शासन से लेकर प्रशासन तक शिकायत किया है, लेकिन मेरा कोई सुनने वाला नहीं है और इसका पूरा जिम्मेदार शासन और प्रशासन के लोग हैं। निधि सिंह के साथ बलिया से संजय तिवारी की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मुनीलाल। कहाँ के रहने वाले हैं? काजीपुर। ये क्या व्यवस्था देखा जा रहा है आपके यहाँ? नाली पूरी तरह से गंदगी भरी हुई है। गंदगी तो मान लीजिए अब ना बने है, मान लीजिए ना साफ हुई तो भरबे करे। तो कौन ग्राम प्रधान है? मुश्किल, उनका नाम अखिलेश गुप्ता। तो आप लोग उनसे शिकायत नहीं करते हैं कि पानी सड़कों पे आ रही है? हम तो बोलते ही हैं। क्या बोलते हैं? स्कूल के आगे है, थोड़ा नाली बनवा दो तो अपना साफ हो जाएगा तो सही रहेगा स्कूल के बच्चे। लेकिन देखा जा रहा है कि आगे जो विद्यालय है उसके आगे एकदम पानी लगा है, गंदा पानी। हम लोग क्या कर सकते हैं मान लीजिए? तो साफ सफाई नहीं होती है गाँव की? अपने हाथ से साफ कर देते हैं कभी कल को। अच्छा, लेकिन सफाई कर्मी नहीं करते हैं? सफाई कर्मी तो अभी नहीं आए हैं। प्रधान जी भी नहीं करवाते हैं? प्रधान जी कहाँ कर, कल कभी घास और साफ होता है, ये सब करते हैं, लगते हैं मजदूर। जी अपना पैसा बताइए। मैं ग्राम सभा काजीपुर का प्रधान अखिलेश कुमार गुप्ता हूँ। मुस्लिम जी, प्रधान जी, देखा जा रहा है कि आपके ग्राम सभा में नाली की व्यवस्था दयनीय है, सड़क पर पानी गिर रहा है। जी, हमारे गांव में लगभग 7 गढ़ैया हैं, क्योंकि 2-3 गढ़ई में पानी जा रहा है, लेकिन बाकी गढ़ई में लोग पानी गिरने नहीं दे रहे हैं। इसीलिए इसका जिम्मेवार शासन और प्रशासन कर्मचारी के लोग हैं। अच्छा, क्यों इसकी शिकायत आपने हजारों बार दिए हैं, लेकिन शिकायत क्या होता है? शिकायत से कोई नहीं, कुछ नहीं होता है। लेकिन सरकार तो साफ सफाई के लिए करोड़ों रुपये पानी की तरह पैसा भले दे दे, लेकिन अब प्रधान जाकर लाठी नहीं चलाएगा, किसी के कपार नहीं खोलेगा। तो स्वच्छ भारत मिशन के तहत आपके स्वच्छ भारत मिशन कहने से नहीं हो जाएगा, उसे करवाने से होगा। जी, भले सरकार पैसा दे दे, लेकिन प्रधान कहाँ, नहीं तो प्रधान को पावर दीजिए। तो क्या प्रधान को पावर नहीं? पावर कुछ नहीं है। तो क्या इसका जिम्मेवार शासन और प्रशासन है? उच्च अधिकारियों से इसकी शिकायत? अरे हजारों बार कहे हैं, ये हम अपना शिकायत हम लखनऊ तक पहुंचा दिए हैं, बहुत से टीवी मीडिया मैं चलवा दिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है।